देखिए उसके लिए कल हमने फाइल रीडर बनाया था, फिर बफर रीडर बनाया था, इसमें इसका उलट हो जाएगा, इसमें बनेगा फाइल राइटर और बफर राइटर। फाइल राइटर वही है राइटिंग में, फाइल राइटर किस फाइल में सेव करना है, तो हम इसमें कह देते हैं टी में, न्यू में माय फाइल डॉट टी एक्स टी, ये सेव करने के लिए राइटर, इस फाइल के अंदर डेटा सेव करने के लिए। अब चाहे ये फाइल किसके एडिट, अगर ऑलरेडी है तो एडिट हो जाएगा ना, इसलिए ये फाइल अगर पहले से मौजूद नहीं होगी तो ये नई फाइल बना देगा, ठीक है। इसको ट्राई कैश में रखते हैं, मैंने इसका माय फाइल लिया है, माय फाइल मैंने नहीं लिया, फाइल राइटर के बाद बफर राइटर, वहां पे हमने रीडर बनाया था, यहाँ राइटर, इसका नाम कुछ भी देते हैं, W देते हैं, इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उसका मेथड था रीड लाइन, इसका मेथड है राइट, सिर्फ राइट, पूरा राइट कर देगा, सिर्फ राइट। राइट में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो वहां जाके राइट हो जाएगा, और यहां मैं क्लोज कर देता हूं। कनेक्शन जो स्ट्रीम होती है उसको बंद कर देता है ये, डिस्ट्रक्टर अलग है, जो स्ट्रीम ओपन होती है वो क्लोज अगर नहीं लगाओगे एरर नहीं देगा कुछ भी, लेकिन स्ट्रीम आपकी ओपन रह जाती है मेमोरी में, रैम में, रैम में चलती रहती है, हाँ, लेकिन स्ट्रीम ओपन है उसमें डेटा भी मौजूद रहेगा जो मैंने हेलो पाकिस्तान राइट किया। अब अगर यही सॉफ्टवेयर किसी बैंकिंग के लिए बना रहे हो, वहां पर आपने राइट किया है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो वो कोई भी पिक कर सकता है रैम में से, क्लोज ना किया हो तो फिर हो जाएगा। रीडिंग की थी, अब राइटिंग कर दो। अब इसके अंदर फाइल बनाते हैं, वहां पे माय फाइल बन गई ऑटोमेटिकली, उसके अंदर डेटा हेलो पाकिस्तान जो हमने राइट किया था यहाँ, सही है। फाइल को फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ वापस। यहां पे राइट से पहले स्कैनर लगा देते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, स्ट्रिंग पहले प्रिंट करवा देता हूं, जो भी यूजर इनपुट दे को रखे एस में और राइट में एस करवा दो। नई फाइल बनाएगा, उसमें हम यूज करेंगे, इसी में आगे बताऊंगा अपेंड के लिए, कि उसमें राइट करेंगे और उसको बोलेंगे आप अपेंड करें उसमें, तो जो ऑलरेडी होगी ना उसके अंदर अपेंड करेगा, सही सर। लोकेशन दे रहे हैं, लोकेशन के अंदर फाइल बनेगी, फाइल के अंदर जो भी इनपुट ले रहे हैं वो आएगा, जो इनपुट है वो राइट हो जाएगा। अब यहां से हम इसको इनपुट दे रहे हैं, वहां फाइल बन गई, अब ये पूछ रहा है आपको क्या राइट करना है, अभी खाली है फाइल, यहां पे ठीक है,
जो भी है वो फाइल में आ जाएगा। तो जिस तरह रीडिंग का है इस तरह राइटिंग का है सिंपल। अभी देखें इसमें यहां हमने लिखा कुछ भी, इसको फिर से लिखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है जैक्सन एजुकेशन सेव है, इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। फिर से ये कह रहा है कुछ लिखे आप, यहां आप लिख देते हैं हेलो जैक्सन। उस फाइल के अंदर आप रिप्लेस होके नई फाइल बन गई, पुरानी डिलीट हो गई, ठीक है, पुरानी डिलीट हो गई और नई बन गई, नहीं फाइल डिलीट हो गई, फाइल डिलीट हो गई ना, पुरानी फाइल डिलीट हो गई, नई बन गई, रिप्लेस हो जाती। यहां ऊपर जहां इसका हम दे रहे हैं लोकेशन पाथ स्ट्रिंग में, दूसरा आर्गुमेंट कॉमा देके होता है कि अपेंड करे या नहीं करे। अपेंड नहीं का मतलब है कि नई फाइल बना दे, अपेंड का मतलब है उसी के अंदर अपेंड करे, उसी में मजीद एडिटिंग कर दे। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, फॉल्स का मतलब है नई फाइल बनाए या हम ट्रू कर दे कि जो फाइल हम बना रहे हैं नई फाइल ना बनाए, उसी फाइल के अंदर एडिटिंग करें, उसी में एडिटिंग हो। तो पहले डिलीट हो गई थी, पहले नहीं बन रही थी, रिप्लेस हो रही पुरानी। सर तो उसका फॉर्मेट तो सब खराब हो जाएगा। हाँ फॉर्मेट खराब होता है उसका, लेकिन उसमें हम यही करते हैं कि एक हमारी अपनी फाइल है उसी में एडिटिंग करते हैं, क्योंकि हमें उसका पता होता है फॉर्मेट ऑलरेडी, किसी दूसरी फाइल में हम नहीं करते। मैंने लिखा हेलो पाकिस्तान, उसके अंदर आगे ही अपेंड हो गया हेलो पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया था। स्पेस देके लिखेंगे या बैक स्लैश एन देके लिखेंगे तो नई लाइन पे आएगा, वरना बिल्कुल आखिर में जहां खत्म हो रही है वहीं से शुरू हो जाएगा। अब अपेंड, ये अपेंड हो गया ना, यहां पे अगर मैं कुछ और दूं, यहां पे अब इसके अंदर मजीद अपेंड हो गया यहां पे, लेकिन आपने मान स्पेस दिया था यहां नहीं दिया, स्पेस माय के बाद स्पेस दिया वो आगे, सही। यहां जहां मैं राइट कर रहा हूं, राइट से पहले एक मेथड होता है नेक्स्ट, सॉरी न्यू लाइन, ये न्यू लाइन दे देगा। जो बैक स्लैश एन होता है इसका दूसरा मेथड बैक स्लैश एन भी दे सकते हैं। न्यू लाइन क्या करता है, राइट से पहले नई लाइन एंटर करेगा फिर राइट करेगा। अब जो बिल्कुल बराबर में आ रहा था उसके लिए वो नई लाइन एंटर कर देगा। तो न्यू लाइन ना लगाएं आप, या चेकबॉक्स लगा दें इस पे, न्यू लाइन पे टिक करें न्यू लाइन है ना, तो ना अभी न्यू लाइन पे देगा हमें, नहीं न्यू लाइन का मेथड है राइट से पहले न्यू लाइन दे फिर राइट करें। अगर आप कोई नोटपैड सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सेव हो रहा है डेटा, सेव हो रहा है, सेविंग के लिए राइट करना पड़ेगा।
अगर आप वहां पे ऐसा कोई डेटा देना चाह रहे हो टेक्स्ट फील्ड में एंटर करो, वो सेव हो जाए कहीं जाके, बाद में हम देख सकें उसको, तो हमें राइट करके रखना पड़ेगा किसी जगह सेव करने के लिए डेटा को। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग दो तरीके हैं सिंपल टेक्स्ट के लिए, अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा आपको रीड या राइट करना है। अभी इसमें हमने इमेज ऑडियो वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ टेक्स्ट किया। यहां अगर यही काम हम ग्राफिक्स में करें एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं सेव के लिए, इस बटन पे ये काम हो जाए जो वहां हो रहा था। मेन मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं ताकि वो ओपन हो जाए। इसके बटन की कोडिंग पे जो कोड यहां है बिल्कुल मैं एज इट इज उठा के वहां रख दूं। सही, ये इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहां जहां स्कैनर लगा है अब स्कैनर रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। फिलहाल न्यू लाइन रिमूव कर रहा हूं। यहां है, यहां पे टेक्स्ट एरिया से डेटा पिक कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट एरिया में डेटा है वो राइट करें, किस फाइल पे, माय फाइल। यहां से माय फाइल फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब यहां पे अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सेव, वहां आ गया, उसमें यही चीज आ गई जो वहां मिली। ठीक है, और जैसे उसमें हमने फाइल चूजर दिया था यहां पे कि फाइल यूजर चूज कर रहा था, इसमें भी दे सकते हैं वैसे ही, वही सेम तरीके का से फाइल चूजर पिक करके रखेंगे यहां पे। सोर्स में अब सबसे पहले हम लिखेंगे फाइल चूजर को शो करेंगे पहले, शो सेव, क्योंकि सेव वाला शो करते हैं। और यहां पे फाइल जे फाइल यूजर वन डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल और एफ का ऑब्जेक्ट यहां पास कर देते हैं, जो सिलेक्टेड फाइल हो वो यहां पास, फाइल क्लास है जो पढ़ी थी हमने। सही है, इसमें फाइल यूजर लगा दिया। अब यहां से हमने इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा
अब जब इसको हम सेव करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कहाँ सेव करूँ। यहाँ इसको मैं कह देता हूँ डेस्कटॉप पे कर दे, किस नाम से, java.txt नाम से सेव। डेस्कटॉप पे java.txt बन गया, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डायलॉग वगैरह शो करना है, कुछ भी करना है, राइट के बाद यहाँ कर सकते हैं कि भाई रिटर्न सक्सेसफुली, या डेटा रिटर्न बताने के लिए यूजर को कि भाई सेव हो गया है, डेटा सेव्ड, सही है। तो इसमें जो भी डेटा होगा वो राइट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जिस तरह नोटपैड पर सेव होता है या किसी भी और फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। किसमें? हाँ, खुद की एप्लीकेशन नोटपैड की आप बना सकते हैं, आप ओपन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। न्यू की कोडिंग हमने कर ली थी, एग्जिट की कर ली थी, प्रिंट वगैरह की रह गई है, ठीक है। तो ये आपकी सेविंग का कोड है। अब यहां पे अगर आपके पास बटन है प्रिंट के लिए, प्रिंट की कोडिंग बिल्कुल सिंपल होती है कि अगर इस टेक्स्ट एरिया में कुछ लिखा हुआ है उसको प्रिंट कराना है, वो तो दूसरी क्लास में। Thank you.
लेवल है मैंने मतलब थोड़ी होगा बटन में आउट नहीं सर सर ये जल्दी जल्दी सामने वाले रूम में भाई आप हमको बताएंगे आपके पास कोई भी आइडिया हो तो वो टीम आपके आइडिया सुनेगी परसों आएगी ना तो आपके आइडिया सुनेगी और आपको कुछ जो भी मतलब बिजनेस इनोवेटिव आइडियाज के नाम से क्या है पेश करने की सर देंगे आप लोगों में से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो अपना आइडिया सर को बता देंगे आपकी क्लास से अलीना ने किया है और उससे पहले आपके पास कौन सा आइडिया नहीं डिसाइडेड नहीं प्रेजेंट अच्छा कल टीम आएगी टीम बजे वो मतलब प्रेजेंटेशन आपकी बनी हुई हो और बाकी जिनको जिनको पास आइडियाज है लेकिन से हवा में गिर भी जाना बाकी आइडिया भी चाहिए सर सर जो है ना सर इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं ना आपको बता रहे हैं तो कल ढाई बजे तक वो इस वाली जो टीम आ गई उनके सामने ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट टीम यहाँ यहाँ ही तो देखिए आपके पास बाकी आइडिया है आप प्रेजेंटेबल हो परसों की इवेंट की इवेंट परसों है अपने आप को क्यों लगा रहे ये क्या हो रहा है
We go. देखें यहाँ पे जो प्रिंट का बटन था, इसकी कोडिंग ये है आपकी कि प्रिंट के बटन पे आप लिखेंगे हमें प्रिंट करना है जो टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है, अगर वो चीज, तो इसकी कोडिंग है जे टेक्स्ट एरिया 1.print, बस प्रिंट ये मेथड है बनाओ, ये प्रिंट होगा आपके प्रिंटर से। क्या कह रहे हो? ये एरर आ रहा है, बताओ ट्राई कैच में आएगा क्या? अगर उसको प्रिंटर ना मिले तो एक्सेप्शन दे सकता नहीं? प्रिंट, बस ये प्रिंट की लाइन है, ये आपका जो टेक्स्ट एरिया वो प्रिंट कर देगा पेपर पे। टेक्स्ट एरिया के लिए, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट पेन, इनके लिए इमेज, अगर टेक्स्ट पेन पे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया पे इमेज है, टेक्स्ट पेन पे इमेज आ जाता है, तो उसके लिए यूज हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी लिखा हो ये मेथड, अब पहले सिंपल प्रिंट है, यहां से मैंने प्रिंट क्लिक किया तो आपका जो भी प्रिंटर होगा उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी और ये आपका प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर पे। ऑप्शन क्या है सर? अभी देखें इसमें क्या आता है, कि मेरा प्रिंटर नहीं लगा इसलिए प्रिंटर ढूंढ रहा है पहले, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन है, कौन सा प्रिंटर जो इंस्टॉल्ड है, प्रिंट टू फाइल, ऑल जो नॉर्मल प्रिंटिंग का होता है, पेज सेटअप, सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी, बिल्ट इन है। जब इसमें आप प्रिंट करेंगे तो आपके प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल जाएगा। मैंने प्रिंट किया, प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस। देखो प्रिंट किस तरह आएगा, पहले दिखा दूंगा। मेरे पास वर्चुअल प्रिंटर लगा हुआ है जो डेस्कटॉप पे दे देता है प्रिंट करके ना, माय प्रिंट। चलिए आपने लगाया ये नहीं, ये सिर्फ प्रिंट के मेथड से आया सब कुछ, ये इसने मुझे यहाँ प्रिंट करके दे दिया XPS। ये मेरे पास अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उससे, तो ऐसा प्रिंट आपका निकल जाएगा। प्रिंट में चेंजिंग आप क्या करना चाहोगे, किस अंदाज से?
हाँ समझा नहीं, जैसे ऊपर हेडिंग आ जाइए आ जाए। तो हम इस तरह करेंगे कि जो टैक्स एरिया है ना इस पे हेडिंग ऐड करेंगे पहले, कहाँ से, इधर से, ये टैक्स एरिया 1.setText, इस पे कुछ लिखूंगा मैं, प्रिंट करने के बाद उस चीज को रिमूव कर दूंगा, लिखिए, लिखने के बाद उसको रिमूव कर देंगे, स्ट्रिंग में गेट करेंगे, स्ट्रिंग में से रिमूव कर देते हैं स्ट्रिंग का मेथड, फिर उसको वापस सेट कर देंगे स्ट्रिंग में करेंगे, ये तो आप कर सकते हो स्ट्रिंग क्लास का है। अगर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो पाकिस्तान, आप उसमें हेलो रिमूव कर सकते हो, तो वही होगा कि इससे पहले एक मैं हेडिंग दे दूं, बाद में प्रिंट होने के बाद हेडिंग रिमूव हो जाए। स्ट्रिंग में रिमूव का मेथड बताया था मैंने, उसी तरह होगा रिप्लेस का, रिमूव का। अब ये तो बेसिक चीजें हैं रिमूव की, हाँ ये वाली स्कैन का नहीं है, स्कैन के लिए अलग वो लाइब्रेरी करनी पड़ती, प्रिंट का है, इसमें प्रिंट की फैसिलिटी दी नहीं, वो एडवांस जाओ सही है, तो इसमें आपकी प्रिंटिंग होती है, समझ नहीं, एडवांस उसका एडवांस आनी चाहिए थोड़ी सी ना, लाइब्रेरीज वगैरह की।